ताजमहल भारत में मौजूद दुनिया का वो अजूबा जिसे दुनिया भर के सैलानी देखने आते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल किसने बनवाया है तो आपका जवाब क्या होगा? शाहजहां, है ना? पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल बनवाने का आदेश दिया था। ताजमहल को डिजाइन और बनवाने वाला कोई और था। पर आखिर कौन था ये, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। तो दोस्तों, शाहजहां की बीवी मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त चल बसी थी। तो शाहजहां ने अपनी तीन रानियों में अपनी पसंदीदा रानी मुमताज की कब्र यानी कि ताजमहल बनाने का आदेश दे दिया था। शाहजहां की इस प्यार की निशानी में बनाए गए मकबरे को लेकर इतने उत्साहित थे कि वो ताजमहल का काम शुरू होने के बाद हर रोज ये जरूर देखने जाते थे कि इसके बनने का काम कैसा चल रहा है। पर हम सभी को शाहजहां के बारे में तो पता है, पर वो मेन आर्किटेक्ट जिसने ताजमहल को डिजाइन किया था और उसके बनाने का काम संभाला था, उसके बारे में कोई क्यों नहीं जानता? वो इसलिए क्योंकि उस समय में आर्किटेक्ट्स को राजशाही जैसा सलूक नहीं मिलता था और उन्हें मजदूरों जैसा ही समझा जाता था। सन 16 से अब तक इसी वजह से ताजमहल को बनाने वाले का नाम लुप्त हो गया है। पर माना जाता है कि उसे बनाने का काम सौंपा गया था उस्ताद अहमद लाहौरी को, क्योंकि इतिहासकारों को कई पुराने दस्तावेज मिले हैं जिनमें आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला बनवाने का जिम्मेदार उन्हें ही माना गया है। अब ये बात पूरी तरह सच है कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता, पर ताजमहल को बनवाने के लिए 20,000 मजदूर और करीब 1,000 हाथियों का इस्तेमाल करके प्यार की इतनी अनूठी मिसाल बनाने वाला कोई बहुत ही महान आर्किटेक्ट रहा होगा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।